We want everybody's attention by the main stage, especially Pammi that celebrates the birthday. We have Manat Noor, that is one of the best singers that we have in the house, who wants to give a tribute to Pammi especially. So can we make some noise for Manat? थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरे और भी फिल्मी फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स आए, तो अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी में आप लोग शामिल हो रहे हैं। और साथ में दो दो खुशी हैं, एक खुशी आपको मुझे सुनना चाहते हैं, आपकी फिल्म हाल ही में रिलीज होने वाली है, क्या है फिल्म का नाम? हाँ जी, अभी जस्ट मेरी मूवी का शूट कंप्लीट हुआ है, एक आध दिन का शूट हो बचा है। हंसा एक सहयोग मेरी मूवी का नाम है और वो किन्नर बेस्ड स्टोरी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, थोड़ी सी अलग हटके है। आई थिंक 4-5 मंथ में रिलीज़ हो जाएगी। अभी हमें मूवी का प्रमोशन करना भी बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी काम बाकी है, तो बस आप उम्मीद कीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा और मेरी मूवी आप लोगों को इतनी अच्छी लगेगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जरूर देखने के लिए जाइए। चाहे वो सड़क मूवी हो या कोई भी हो या फिर दरमियान हो, इस तरह की जो मूवी रहेगी। हाँ जी, एक्चुअली ये मूवी थोड़ी उस टाइप से अलग थोड़ी रियल स्टोरी बेस है। इसमें दो पार्ट है मूवी के, एक किन्नर बेस स्टोरी है और एक थोड़ा मतलब कोठे से, मतलब जो लड़कियाँ प्यार के चक्कर में भाग जाती हैं, उनके बॉयफ्रेंड या कोई भी बंदा उन्हें कहीं बेच देता है कोठे पर या किसी दलाल को, उसी रिलेटेड ये स्टोरी है। मेरा इसमें एक ऐसा रोल है जो मैंने एक लड़कियों के लिए मैसेज पास किया है, तो मैं अपनी पूरी स्टोरी भी आपको बता नहीं सकती क्योंकि मेरा रोल काफ़ी अच्छा है। बॉलीवुड में क्या क्या अभी तक कर चुके हैं, अगर बात करें? एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो ऐसे मॉडल ही किया था, और काफ़ी सारे वेब शोज किए हैं, काफ़ी सारे टी वी सीज किए हैं मैंने, और 13-14 मैंने सीरियल भी किए हैं जिसमें मैंने कैमियो किया है। अभी एक दो प्रोजेक्ट के लिए मैं फाइनल हो गई हूँ, तो देखते हैं। बाकी मेरी मूवी के भी 2-3 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, लाइनअप है, तो आई थिंक 10-15 डेज में मेरा शूट स्टार्ट हो जाएगा। और आज आने वाले मेहमानों में कौन कौन है? मेरी इस पार्टी में मेरे सबसे मतलब बोलते थे कि मेरी इस पार्टी के चीफ गेस्ट मेरे निमय जी जो हैं, जो निमय बाली हैं, एक सीनियर एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। हाँ जी, उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल किए हैं, उन्होंने बाल कृष्णा लास्ट रूम का शो था, उस रावण भी बने हैं, वो कंस भी बने, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं वो। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि निमय जी जो ने एटलीस्ट मेरे लिए इतना टाइम निकाला, उनकी शूट चल रही है अभी। शंकर जैकी सर, उनका शो है न्यू, तो शो की शूटिंग में वो बिजी थे, फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकाल गए। थैंक यू सो मच निमय जी जू। सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं? एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा तो अपनी फैमिली को मिस करती हूँ। मेरी फैमिली आज एक्चुअली में यहाँ नहीं है, मेरा बर्थडे एक्चुअली में कंटिन्यू 1 वीक से सेलिब्रेट हो रहा है, फर्स्ट डे भैया भाभी ने किया, अभी मेरी फैमिली आउट ऑफ मुंबई गई हुई है। आज मेरे सब फिल्मी फ्रेंड्स के लिए है मेरा बर्थडे, काफ़ी सारी मॉडल और एक्ट्रेस आए हुए हैं, देखी कुछ और लोग भी आने वाले हैं। भारती से भी बात की थी, तो वो भी शूटिंग में बिजी है, तो जैसे ही फ्री होंगे तो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, वो भी आएंगी। ये नहीं पूछूंगा कितने साल की हो गई है, उसका अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरी बेस्ट विशेष हमेशा के साथ है, हमेशा रही है। वेरी गुड एक्टर, ह्यूमन बीइंग, मतलब हमेशा रिश्ता हमेशा बरकरार रखती है, सर अब आपके ऊपर अभी आपके रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? अभी फिलहाल मैं पहली बार कर रहा हूँ एक कॉमेडी शो, आज बड़ा सीरियस एक्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ शंकर जय के शो, शुभ स्वास्थ्य कर रहा हूँ, उसमें मेरा नाम भी शनि कपूर है, मेरे बाबा जी गए शंकर पांडे बने, सब दूसरे वाले शनि कपूर, तो बड़ा नया एक्सपीरियंस मिल गया कॉमेडी, इतने साल से मैंने विदन कर रही है, एकदम से प्योर कॉमेडी कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे पम्मी के बर्थडे पे पहुँचे हैं आप? देना चाहूँगी कि वो लाइफ में बहुत जल्दी तरक्की करे, आगे बढ़े, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्यूट फ्रेंड, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि
इंजॉय करूँगी, डांस वांस करेंगे हम, मस्ती वस्ती करेंगे और बस यही। आपका नाम? माय नेम इज़ मिसा अली एंड सबसे पहले मैं पम्मी को बर्थडे विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे टू पम्मी एंड फ्रेंड्स। कोई गाना गुनगुनाएंगे आप पम्मी के लिए? आई कांट। एक्चुअली मैं अपने काम को लेकर अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट मूवी थी एंड मुझे इस फिल्म से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी, बट जैकी श्रॉफ मेरे डैडी के एज के हैं, बट उनके साथ काम करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, बट किया मैंने। अच्छा, आप काफ़ी ग्लैमर लुक है आपका, तो क्या ये बॉलीवुड के लिए ज़रूरी है या अपने शौक से करते हैं? एक्चुअली मैं जो भी लुक या जो भी है या जो भी कपड़े पहनती हूँ या जो भी करती हूँ, जिस चीज़ में मैं मुझे कंफर्टेबल फील होता है, जो मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगता है, मैं वही। बॉलीवुड की डिमांड है कि बॉलीवुड लोग बोलते हैं ना, एक्चुअली बॉलीवुड नाम की कोई चीज़ नहीं है पहली चीज़, और दूसरा जो है वो ये है कि बॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग देखी जाती है, ना कि कपड़े और आपका लुक। काफ़ी वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, उसके बारे में लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कॉम्प्रोमाइज़ देखिए सर, कॉम्प्रोमाइज़ तो आज की डेट में हर जगह है, इंसान पैदा होता है तब से उसका कॉम्प्रोमाइज़ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड बॉलीवुड में कुछ खास अलग वर्ड होता है जो काफ़ी लड़कियों के लिए काफ़ी उसकी कुछ सामने आती है लड़कियाँ बोलने के लिए कुछ नहीं, आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए डिपेंड करता है लड़की पर, और कोई भी Gracias.